आपने चिकन लेनी है हाफ के जी, उसमें हमने ऐड किया है काली मिर्च और नमक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून, और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है बिहारी कबाब मसाला 2 टेबल स्पून भर के, और इसमें हमने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, बीज हटा दीजिएगा लीमू के, और ये इसमें हमने ऐड किया दही 2 टेबल स्पून भर के। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए। एक फ्राइंग पैन लेंगे हम, उसमें हमने अपना सारा चिकन ऐड कर देना है, और थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया कि जो सारा मसाला था वो भी इसी में ऐड हो जाए। अच्छे से हम इसको पकाएंगे इतनी देर कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, और फिर हम इसका पूरा पानी खुश कर लेंगे। लास्ट में हम इसे कोयले का धुआं देंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आया था इससे, लाजमी दीजिएगा आप लोग। रायते के लिए हमने हरा धनिया लिया है 1 पूरी मुट्ठी भर के, दही, 2 से 3 लहसुन के जवे, ज़ीरा, हरी मिर्च और नमक, ये सब हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ये हमारा ज़बरदस्त रायता तैयार है। आटा हमने नॉर्मल गूंद लिया था नमक के साथ, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। ये हमने बतूल की रेसिपी से जो है वो फॉलो की है पूरी पराठों के लिए। ये हम सांठ बना रहे हैं, इसमें हमने लिया एक अंडे की सफ़ेदी, 1.5 टेबल स्पून बटर गया इसमें, 1 टेबल स्पून भर के इसमें गया मैदा। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो ये ख्याल रखिएगा आप लोग। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त पूरी पराठे बने थे, बिल्कुल बाहर जैसे। हमने पहले आटे का पेड़ा बना लेना है, और अपनी पूरी स्लेब को हमने ऑयल लगा लिया अच्छे से, और रोलिंग पिन पे भी अच्छे से ऑयल लगा लिया। इसको हमने अच्छे से बेल लेना है, बिल्कुल पतला ये हो, जितना पतला होगा उतना अच्छा होगा। ये हमारा जो है वो रोटी जैसे हम बेलते हैं उस तरह से हमने बेल लिया, और जो हमने सांठ बनाया था पेस्ट जो था वो हमने इसमें फिल कर लिया है पूरा, और हम जिस तरह से पराठे रोल करते हैं उसी तरह से हमने इसको रोल करके फिर से थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे दोबारा से। हाथ से भी अच्छे से बेल रहा था क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ था, और आप लोग चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। और बिल्कुल गर्म तेल में हमने इसको फ्राई करनी है अपनी पूरियों को, और ये हमारी ज़बरदस्ती पूरी जो है, पूरी पराठे जो हैं वो बन रहे हैं। अब हम करेंगे इनकी अच्छे से लेयरिंग, जिसमें हमने अपना चिकन ऐड कर दिया, प्याज ऐड करेंगे, रायता ऐड करेंगे, और इन्जॉय करेंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारे किचन में बन रहे मज़ेदार से